हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। आज की हमारी रेसिपी है कुरकुरे भेल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुरकुरे भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुरकुरे लिए हैं, मसाला मंच वाले एक पैकेट लिया है, इसको मैंने एक बोल में ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मसाला सेव। ये मसाला सेव जो नॉर्मली जो रतलामी सेव आती है लॉन्ग वाली, वही है गाइस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और टमाटर लिया है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इस्तेमाल की है। अब हम इसमें 1/2 नींबू स्क्वीज़ करेंगे गाइस, और इसमें हम डालेंगे नमक और चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून। सब चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कोई चटपटा खाने का मन हो रहा है, और घर पे बहुत ही कम सामग्री में इसको आप फटाफट बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं आप, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यम्मी लग रहा है। इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। सो गाइज, हमारी कुरकुरे भेल तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।